हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है स्पीच डिले। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आजकल जो बच्चे हैं, जनरली एक बच्चा जो है 1.5 साल 2 साल में वो बोलना शुरू कर देता है, लेकिन आजकल ये काफ़ी कॉमन ट्रेंड देखने में आया है कि अराउंड 2.5 साल 3 साल और कभी कभी 4-5 साल की एज तक भी बच्चा बोल नहीं पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस, क्योंकि मैं सुनता रहता हूँ, मुझे लोग कॉल करते रहते हैं, मेरे से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते रहते हैं, इसलिए मुझे काफ़ी कुछ पता चल रहा है कि आजकल ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी प्रोमिनेंट हो गई है, काफ़ी प्रिवेलेंट हो गई है हमारी सोसाइटी में। तो मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इसके लिए एक बहुत ही कमाल की, बहुत ही अमेजिंग, एक बहुत ही प्रूवन रेमेडी मेरे पास है इस प्रॉब्लम के लिए। तो मैंने सोचा कि आज इस वीडियो के थ्रू वो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्पीच डिले होता क्यों है। एस्ट्रोलॉजिकली मैं बात करूँगा, मेडिकली इसके कई रीजन्स हो सकते हैं। जनरली वैसे नर्वस सिस्टम की कमी की वजह से, नर्वस सिस्टम की वीकनेस की वजह से नॉर्मली ये होता है, और कई बार आपकी टंग की या कई बार और किसी जगह की जो मसल्स हैं वो डेवलप नहीं होती, उस वजह से भी होता है। मेडिकली ये बता रहा हूँ, मेडिकली और भी कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं एस्ट्रोलॉजिकली आऊँगा कि इसका क्या रीज़न होता है। एस्ट्रोलॉजिकली स्पीच पे मर्करी रूल करता है, मर्करी यानी कि बुध। बुध को बुद्धि का भी कारक माना जाता है, इसलिए उसका नाम बुध भी है। एक बुध को बुद्धि का कारक मानते हैं, बुध को नर्वस सिस्टम का कारक मानते हैं, बुध को सबसे इम्पॉर्टेंट वाणी का यानी कि स्पीच का कारक मानते हैं, बुध को इंटेलिजेंस, मेमोरी, कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, इन सब चीज़ों का कारक मानते हैं। तो अगर किसी की भी कुंडली में बुध काफ़ी वीक पोजिशन में है, चाहे वो नीच हो सकता है या अपने शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हो सकता है, या किसी खराब घर जैसे 6th, 8th या 12th हाउस में बैठा हो, इस तरीके के किसी भी खराब पोजीशन में हो या अस्त हुआ हुआ हो, तो ऐसे पोजीशन में जो बुध है वो या तो ऑटिज्म भी दे सकता है अगर वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो, या फिर नॉर्मल केसेस में वो स्पीच डिले भी दे सकता है। बुध के वीक होने से और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कईयों को कन्फ्यूज रहना कई लोगों का, और डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल आना, या गलत डिसीजंस ले लेना जगह जगह पे, ये भी हो सकता है। तो इस तरीके के कई प्रॉब्लम्स आती हैं जब बुध वीक होता है। अब आते हैं इसकी रेमेडी पे। बुध की जो ईश देवी होती हैं वो होती है सरस्वती। अब सरस्वती को भी आपने देखा होगा हर स्कूल में, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उनकी पिक्चर लगी होती है। क्यों? क्योंकि सरस्वती विद्या की देवी है और सरस्वती वाणी की भी देवी है, ठीक है। इसीलिए सरस्वती जो है बुध की ईष्ट देवी है, क्योंकि इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, इन दोनों के रूलिंग एरियाज सेम हैं, इस वजह से सरस्वती को बुध की ईष्ट देवी भी माना जाता है। तो अब दो तरीके होते हैं किसी भी प्लैनेट को इम्प्रूव करने के। एक तो ये कि आप उस प्लैनेट के मंत्र करने शुरू कर दीजिए, या उस प्लैनेट से रिलेटेड कोई रेमेडीज करनी शुरू कर दीजिए। एक दूसरा तरीका ये होता है कि उस प्लैनेट की जो रूलिंग डेटी है, जो भी उसके इष्ट देवता हैं, आप उनको वर्शिप करना शुरू कर दीजिए, उससे भी वो प्लैनेट इम्प्रूव हो जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे मान लीजिए मेरा और आपका कोई, हम दोनों सेम ऑफिस में काम करते हैं, मेरा आपसे कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो मैं आपके साथ पैचअप नहीं करता हूँ, मैं आपके जो बॉस हैं उनको अच्छे से चाय पिलाने लगता हूँ, उनको मैं लंच पे लेके जाने लगता हूँ साथ में, उनके मैं बहुत अच्छे से उनके साथ बात करने लगता हूँ, उनसे अच्छी रैपो बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर आपके बॉस के साथ मेरी अच्छी रैपो है तो आप मेरा ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो इट्स लाइक दैट, मतलब सेम एनालॉजी आप इसमें भी लगाइए। हम इस रेमेडी के थ्रू बुध को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम जो बुध की जो ईष्ट देवी हैं सरस्वती, उनका मंत्र हम बोल के उनको खुश कर रहे हैं, ताकि बुध हमें ऑटोमेटिकली अच्छे इफेक्ट देना शुरू करते हैं। तो ऐसा हम इस रेमेडी में करते हैं। अब ये रेमेडी जो है एक मंत्र है सरस्वती का। अब इस मंत्र को मैं बोल के बताता हूँ। ओम वद वद वाग वादिनी स्वाहा। वद वद जो हैं इसमें बीज मंत्र हैं, और जो वाग वादिनी है वो सरस्वती का ही एक नाम है। ये बहुत ही अमेजिंग मंत्र है, मैं आपको बताऊँगा आगे इसके बेनिफिट्स। इस मंत्र को रोज़ कम से कम 108 बार किया जाना चाहिए।
अगर जैसे आप अपने बच्चे के लिए या किसी और के बच्चे के लिए कर रहे हैं या किसी और पर्सन के लिए कर रहे हैं, तो हमेशा जब भी आप कोई मंत्र किसी और के लिए करते हैं तो आप हमेशा पहले एक संकल्प लेते हैं। संकल्प कैसे लिया जाता है, कुछ लोग हाथ में जल लेकर संकल्प लेते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप हाथ में जल लेकर ही करिए। आप अपने माइंड में भी उस इंसान को जिसके लिए आप मंत्र करने जा रहे हैं, उस इंसान को अपने माइंड में प्रोजेक्ट करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि अब ये जो मैं सरस्वती मंत्र करने जा रहा हूँ, ये मैं उस पर्टिकुलर इंसान के लिए करने जा रहा हूँ। आप उसका नाम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि मैं अपनी बेटी नव्या के लिए करने जा रहा हूँ, तो मैं संकल्प ऐसे लूँगा कि हे भगवान, ये सरस्वती मंत्र मैं अपनी बेटी नव्या के लिए करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस मंत्र का पूरा फायदा मेरी बेटी नव्या को जाए। बस इतना सोच के आपको माइंड में, और फिर वो मंत्र करना स्टार्ट कर देना है। कम से कम आप 108 बार करिए और मंत्र इस तरीके से करिए, वो मंत्र सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ना हो। ज़्यादातर लोग बड़ा मशीनी तरीके से मंत्र करते हैं, बस जल्दी जल्दी मंत्र किया, 5-10 मिनट में निपटाया उसको और उठ गए। मंत्र इज़ लाइक मेडिटेशन। अगर आप अच्छे से करेंगे, जितना अच्छे से करेंगे, आपको उतनी ही जल्दी और उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आपको अपने मन को पूरा काम करके, सरस्वती के ऊपर पूरा ध्यान लगा के, पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हुए इस मंत्र को बोलना है और लगातार रिसाइट करते रहना अपने अंदर। आप चाहे तो 10 मिनट कर सकते हैं, चाहे तो अगर आप गिन के करना चाहते हैं तो आप 108 बार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये रेमेडी है स्पीच डिले के लिए। मुझे इस मंत्र को लेकर लोगों के इतने फीडबैक आए हैं। अभी रिसेंटली मुझे एक लेडी ने कॉल किया था, तो मैंने उन्होंने मेरे से पूरी कंसल्टेशन ली, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको मेरे बारे में कैसे पता चला। तो वो कहते हैं कि मैं अपने मेरे बेटे को स्पीच ले था, तो मैं अराउंड 1.5 साल से उसकी स्पीच थेरेपी करा रही थी, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो कहते हैं अचानक एक दिन मैं इंटरनेट सर्च कर रही थी तो आपका ब्लॉग पे ये पोस्ट मुझे दिखाई दी स्पीच डिले के बारे में, तो मैंने यही वाला मंत्र उसके लिए करना शुरू किया संकल्प लेकर। तो कहते हैं विद इन 1 वीक अचानक एक दिन उसने मम्मा, पापा, दादा ये सब बोलना शुरू कर दिया। और कहती मैं हैरान रह गई, मेरे लिए एक मिरेकल से कम नहीं था ये कि इतना जल्दी जो थेरेपीज जो हैं वो 1.5 साल में जो उसको फ़ायदा नहीं दे पाई, वो जस्ट 1 वीक में इस मंत्र से मिल गया। तो ये जस्ट मैं आपको एक इंस्टेंस बता रहा हूँ इस मंत्र के बारे में। इसके बारे में मुझे इतने फीडबैक मिले हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर ये एक मिरेक्युलस मंत्र है। इससे इतने फ़ायदे मिलते हैं लोगों को। इनफैक्ट ये सिर्फ स्पीच लेके लेनी, ये आप तब भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है इसको जो अपनी स्पीच को बहुत पावरफुल बनाना चाहता है, इम्प्रेसिव और पावरफुल। अगर आप अपनी डिसीजन मेकिंग और एक्यूरेट करना चाहते हैं तब भी आप इस मंत्र को कर सकते हैं। अगर आप में मेमोरी या कॉन्सेंट्रेशन की कमी हो रही है तब भी आप ये मंत्र कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए ये मंत्र यूज़ किया जा सकता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप सबको कि इस मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, काफ़ी फ़ायदे लें इससे, औरों को भी शेयर करें इस मंत्र को ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा ले सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, इतना टाइम दिया आपने मेरे वीडियो को देखने के लिए, उसके बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू, बाय बाय।